देखो बहाला बन गया अच्छा। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने जमाने के मशहूर अभिनेता संजीव कुमार के बारे में। हिंदी फिल्मों में संजीव कुमार को संजीदा किरदार निभाने के लिए हमेशा ही याद किया जाता रहेगा। वैसे तो उनकी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन फिल्म शोले के ठाकुर बलदेव सिंह से उन्होंने बच्चों से लेके बड़ों तक अपनी पहचान बना ली। उन्होंने कभी किसी रोल के लिए इनकार नहीं किया। जवानी में भी वे बुजुर्ग किरदार निभाते रहे। इस महान कलाकार का नाम फिल्म जगत की आकाशगंगा में एक ऐसे ध्रुवतारे की तरह याद किया जाता है, जिनके बेमिसाल अभिनय से सुसज्जित फिल्मों की रोशनी से बॉलीवुड हमेशा ही जगमगाता रहेगा। उन्होंने नया दिन नई रात फिल्म में 9 रोल किए थे। कोशिश फिल्म में उन्होंने गूंगे बहरे व्यक्ति का शानदार अभिनय किया था। शोले फिल्म में ठाकुर का चरित्र उनके अभिनय से अमर हो गया। उन्हें श्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अलावा फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे आजीवन कुंवारे रहे। मात्र 47 वर्ष की उम्र में 1985 में हृदय गति रुक जाने से मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई। 1960 से 1984 तक पूरे 25 साल वे लगातार फिल्मों में सक्रिय रहे। उन्हें उनके शिष्ट व्यवहार और विशिष्ट अभिनय शैली के लिए फिल्म जगत में हमेशा ही याद किया जाएगा। संजीव कुमार का जन्म सूरत में 9 जुलाई 1938 को जेठालाल जरीवाला के एक मध्यमवर्गीय गुजराती वैश्य बनिया परिवार में हुआ था। उनका जन्म का नाम हरिहर जरीवाला था, किंतु प्यार से सभी परिवार वाले और संबंधी उन्हें हरिभाई जरीवाला कहते थे। यद्यपि उनके पिता का निवास सूरत में था, परंतु फिल्म जगत की चाह में उन्हें माया नगरी मुंबई खींच लाई। यह शौक उन्हें बचपन से ही था। फिल्मों में बतौर अभिनेता काम करने का सपना देखने वाले हरिभाई भारतीय फिल्म उद्योग में संजीव कुमार बन गए। अपने जीवन के शुरुआती दौर में पहले वे रंगमंच से जुड़े, परंतु बाद में उन्होंने फिल्मालय के एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया। इसी दौरान सन 1960 में उन्हें फिल्मालय बैनर की फिल्म हम हिंदुस्तानी में एक छोटी सी भूमिका करने का मौका मिला। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से वे प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता बने। संजीव कुमार ने कभी शादी नहीं की। वो जीवन भर कुंवारे रहे। वह अभिनेत्री हेमा मालिनी से प्यार करते थे और यहाँ तक उन्होंने शादी का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन उन्होंने यह प्रस्ताव मना कर दिया। उन्होंने अभिनेत्री जया बहादुरी को वास्तविक रूप में अपनी बहन बनाया और उसके बाद फिल्मों में उनके साथ जोड़ी नहीं बनाई। फिल्म उद्योग से उनके सबसे करीबी दोस्त राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, तनुजा, देवेन वर्मा, शिवाजी गणेशन और बी नारी रेड्डी थे। अपने जूनियर्स के बीच अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सचिन पिलगांवकर और अभिनेत्री सारिका के वे बहुत अच्छे दोस्त थे। संजीव कुमार ने विवाह नहीं किया था, परंतु प्रेम कई बार किया था। उन्हें यह अंधविश्वास था कि इनके परिवार में बड़े पुत्र के 10 वर्ष का होने पर उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। इनके दादाजी, पिता और भाई सभी के साथ यह हो चुका था। संजीव कुमार ने अपने दिवंगत भाई के बेटे को गोद लिया और उसके 10 वर्ष का होने पर उनकी मृत्यु हो गई। संजीव कुमार लजीज भोजन के बहुत शौकीन थे। 20 वर्ष की आयु में गरीब मध्यम वर्ग के इस युवा ने कभी छोटी भूमिकाओं से कोई परहेज नहीं किया। संघर्ष फिल्म में दिलीप कुमार की बाहों में दम तोड़ने का दृश्य इतना शानदार किया कि खुद दिलीप कुमार भी सकते में आ गए। स्टार कलाकार हो जाने के बावजूद भी उन्होंने कभी नखरे नहीं किए। उन्होंने जया बच्चन के ससुर, प्रेमी, पिता और पति की भूमिकाएं भी निभाई। जब लेखक सलीम खान ने इनसे त्रिशूल में अपने समकालीन अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के पिता की भूमिका निभाने का आग्रह किया, तो उन्होंने बेझिझक यह भूमिका स्वीकार कर ली और इतने शानदार ढंग से निभाई कि उन्हें ही केंद्रीय कैरेक्टर मान लिया गया। हरिभाई ने 20 वर्ष की आयु में एक वृद्ध आदमी का एक ऐसा जीवंत अभिनय किया कि उसे देखकर पृथ्वीराज कपूर भी दंग रह गए। संजीव कुमार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1960 में हम हिंदुस्तानी फिल्म में मात्र 2 मिनट की एक छोटी भूमिका से की थी। सन 1962 में राजेश्री प्रोडक्शन की आरती के लिए उन्होंने स्क्रीन टेस्ट दिया, जिसमें वह पास नहीं हो सके। इसके बाद
उन्होंने कई बी ग्रेड फिल्में की। इन महत्वहीन फिल्मों के बावजूद भी अपने अभिनय के लिए और अभिनय के जरिए उन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया। सर्वप्रथम मुख्य अभिनेता के रूप में संजीव कुमार को सन 1965 में प्रदर्शित फिल्म निशान में काम करने का मौका मिला। सन 1960 से सन 1968 तक संजीव कुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। फिल्म हम हिंदुस्तानी के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली वह उसे स्वीकार करते चले गए। इस बीच उन्होंने स्मगलर, पति पत्नी, हुस्न और इश्क, बादल, नौनिहाल और गुनेगार जैसी फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। सन 1968 में प्रदर्शित फिल्म शिकार में वह पुलिस ऑफिसर की भूमिका में दिखाई दिए। यह फिल्म पूरी तरह से धर्मेंद्र पर केंद्रित थी, फिर भी संजीव कुमार धर्मेंद्र जैसे अभिनेता की उपस्थिति में भी अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। 1968 में प्रदर्शित फिल्म संघर्ष में उनके सामने हिंदी फिल्म जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन संजीव कुमार ने अपनी छोटी सी भूमिका के बावजूद दर्शकों की वाहवाही लूट ली। इसके बाद आशीर्वाद, राजा और रंक, सत्यकाम और अनोखी रात जैसी फिल्मों में कामयाबी से संजीव कुमार दर्शकों के बीच में अपने अभिनय की धाक जमाते हुए ऐसी स्थिति में पहुंच गए जहां वे फिल्म में अपनी भूमिका स्वयं चुन सकते थे। 1970s में प्रदर्शित फिल्म खिलौना की जबरदस्त कामयाबी के बाद संजीव कुमार ने बतौर अभिनेता अपने अलग पहचान बना ली। 1970s में प्रदर्शित फिल्म दस्तक में उनके लाजवाब अभिनय से उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1972 में प्रदर्शित फिल्म कोशिश में उनके अभिनय का नया आयाम दर्शकों को देखने मिला। फिल्म कोशिश में गूंगे की भूमिका निभाना किसी भी अभिनेता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बगैर संवाद बोले सिर्फ आंखों और चेहरों के भाव से दर्शकों को सब कुछ बता देना संजीव कुमार की अभिनय प्रतिभा का ऐसा उदाहरण था जिसे शायद ही कोई अभिनेता दोहरा पाए। इन्होंने दिलीप कुमार के साथ संघर्ष में काम किया। फिल्म खिलौना ने उन्हें स्टार का दर्जा दिलाया। इसके बाद इनकी हिट फिल्में सीता और गीता, मंचली प्रदर्शित हुई। 70 के दशक में उन्होंने गुलजार जैसे दिग्दर्शक के साथ काम किया। उन्होंने गुलजार के साथ कुल 9 फिल्में की, जिनमें से आंधी, मौसम, अंगूर, नमकीन प्रमुख फिल्में हैं। इनके कुछ प्रशंसक इन फिल्मों को इनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से मानते हैं। फिल्म शोले में उनके द्वारा अभिनीत पात्र ठाकुर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, जो मिमिक्री कलाकारों के लिए एक मसाला है। संजीव कुमार के दौर में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शशि कपूर, दिलीप कुमार जैसे अभिनेता छाए हुए थे, फिर भी अपने सशक्त अभिनय के दम पर सबके बीच काम करते हुए इन्होंने फिल्म जगत में अपना स्थान बनाया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। मेरी प्रीत गोरी है बालपन की, झुके जो तेरे नैना।